हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा आईफोन की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत से लोग अभी फेस कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम ठीक कैसे हो। तो वो है आईफोन की रीस्टार्ट, एप्पल लोगों पर अटक जाना या आईट्यून्स पर अटक जाना या फिर एप्पल के लोगों के बाद फिर उसमें रेड स्क्रीन हो जाना या फिर रेड के बजाय ब्लैंक हो जाना। तो ऐसी प्रॉब्लम फ्रेंड आती हैं फ़ोन के अंदर, जो अभी नए हैं रिपेयरिंग वाले सीख रहे हैं या आईफोन के बारे में जानते नहीं हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम मिलती है, तो वो समझ नहीं पाते कि इस सिचुएशन में करें क्या, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो मैं आपको उसी पे बता रहा हूँ, कभी भी आपके पास ऐसा फ़ोन आया या ऐसा फॉल्ट कभी आए कि फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या एप्पल लोगों पे आके फ़ोन रेड हो जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है, तो या अटक जा रहा है या आईट्यून पे अटक जा रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम से ये होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी यही है कि ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। जी हाँ फ्रेंड, इसमें पहले आप सॉफ्टवेयर करिए, सॉफ्टवेयर की ही दिक्कत होती है। अगर फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो रहा है, ब्लैंक स्क्रीन हो जा रही है, रेड स्क्रीन हो जा रही है, तो आप सॉफ्टवेयर करिए। सबसे पहले तो आप अगर फ़ोन रीस्टार्ट होता है बार बार ही, या बैटरी भी चेंज कर लीजिए एक बार, बैटरी कभी रोल होता है, अगर बैटरी सही है फिर भी फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, तो फ्रेंड आप इसमें सॉफ्टवेयर करिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर यानी कि आपको ये फ़ोन को रिस्टोर करना पड़ेगा, रिस्टोर या अपडेट। अगर आप रिस्टोर करोगे तो फ़ायदा है, अगर अपडेट करोगे तो बार बार उसमें एरर आएगा, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले रिस्टोर ही करना। अगर आपका फ़ोन आईट्यून पर अटका हुआ है तो उसको अपडेट कर देना। अगर आपका फ़ोन वो हो रहा है, मतलब रीस्टार्ट हो रहा है, रेड स्क्रीन हो रही है, तो आप उसको रिस्टोर कर देना। तो इस प्रॉब्लम में आप यही चीज़ करिए जिससे कि फ़ोन आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर और एक बात आप ध्यान रखिए, अगर सॉफ्टवेयर करते वक्त कभी भी बीच में एरर आता है, मान लीजिए एरर कोई सा भी एरर आता है, 3-4 तरह के एरर होते हैं कोई भी आ जाए, तो ये एरर जो होता है हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। अगर हार्डवेयर का अगर एरर आया तो हार्डवेयर में प्रॉब्लम है आपके, तो अगर एरर नहीं आया तो ये पूरा फ़ोन आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड एरर आता है इसके अंदर, कोई सा भी 40-13 आता है एरर, 9 आता है एरर, कोई सा भी आता है, तो इसमें आपकी जो मेन बोर्ड में आईसियां होती हैं, प्रोसेसर आईसी होती है, रैम आईसी होती है, ये फ्रेंड ख़राब होती हैं, ठीक है। तो या तो इस कंडीशन में आपको मदरबोर्ड बदलने का देना पड़ेगा या फिर आपको इसमें आईसी पे काम करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड आप आईसी पे भी काम करोगे इसकी जो भी एरर हटाने के लिए, तो उस पे भी आप कस्टमर को पहले ही बोल देना कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, चले ना चले, लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रेंड कभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी आपके पास कोई ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें आप फ़ोन समझ नहीं पा रहे हो और फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, रेड स्क्रीन हो रही है, तो आप सॉफ्टवेयर ही करिए, सॉफ्टवेयर का ही इशू होता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड मेरे पास काफ़ी ऐसी कॉलें आई थी कि जिसमें कि ये प्रॉब्लम लोगों ने फेस करी है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये कभी भी आपके प्रॉब्लम आए तो आप इसको इस तरह से ठीक कर सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर करोगे तो 100% में 90% चांसेस में फ़ोन सॉफ्टवेयर से ही ठीक हो जाते हैं, बाकी 10% जो होता है वो एरर आता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो यही था कि मैं आपको आज आईफोन के रीस्टार्ट और हैंग की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बता दूँ, तो आप इस तरह से फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।